हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपका रिजल्ट आ गया, देख लिया मैंने। अब बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके पास स्टार्ट कर दो। सेकंड चैप्टर इजी है, फर्स्ट से भी इजी है। अभी हम पढ़ चुके हैं उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल करना। नाउ अबाउट स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा देखो, स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एमिट बाय सोर्स। मान लीजिए दिस इज सन की बात है, तो सन एमिट द व्हाइट लाइट। ए व्हाइट लाइट कंसिस्ट बाय सेवन कलर। तो अगर इसको हम प्रिज्म में से पास कर दो, प्रिज्म इन डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को डाइवर्ट करेगा एट डिफरेंट एक्सटेंट। और यहाँ पे लगाते हमने फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये अलग अलग एक्सटेंट पे डाइवर्ट होके और ये यहाँ पे लाइट गिरेगी यहाँ पे। तो ये जो अपने पास ये जो आ गया वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट। तो स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट का मतलब क्या है? किसी भी सनलाइट का स्पेक्ट्रा, किसी भी सोर्स का स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय दैट सोर्स। अब रेनबो है, रेनबो क्या है? स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट। जो रेनबो बनता है रेनबो, क्योंकि एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट और प्रिज्म का काम करती है, और ये क्या करती है? डाइवर्ट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट एक्सटेंट। जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसको डाइवर्ट करके मैक्सिमम, जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ मिनिमम है तो वॉयलेट कलर का डाइवेशन मैक्सिमम और रेड कलर का डाइवेशन मिनिमम। तो अगर सनलाइट के अलावा हम किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा लेना चाहें तो एलिमेंट का स्पेक्ट्रा कैसे आएगा? तो स्पेक्ट्रा तो होगा बेटा रिकॉर्ड ऑफ द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अब स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जिस सोर्स ने जो लाइट इमिट की, उस इमिटेड लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस का रिकॉर्ड इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और किसी सोर्स में हमने सनलाइट पास की, उसने कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कलर बचा हुआ कलर रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो पार्ट एब्जॉर्ब हो वहां पर डार्क लाइन आ जाएगी। जो पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा वो लाइट निकलेगी नहीं, तो वहां पर डार्क स्पेस आ जाएगा। तो अगर किसी सब्सटेंस में से हमने सनलाइट पास की, जैसे ये ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम वेपर्स और इसमें पास किया हमने सनलाइट, ध्यान सुनो, इसमें हमने सनलाइट पास की, ठीक है, सनलाइट इसमें पास होती गई, कुछ पार्ट इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। उस व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? ऐसे ट्रांसमिट। उस ट्रांसमिटेड रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करवाया और यहाँ पे लगा दिया फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये यहाँ पे जाके ये देखा कि ये डार्क स्पेस है, डार्क और ये डार्क, और बाकी सारा क्या है? ब्राइट। तो जहां पे बेटे डार्क स्पेस है ना, जहां पे डार्क, इन दो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को इस सोडियम ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। अगर हम ये सोडियम पर ना लेते, सीधे सनलाइट प्रिज्म में से पास होते जा, तो ये वॉयलेट से लेके और रेड तक बताओ बिल्कुल डार्क, सॉरी ब्राइट स्पेस आता है कि नहीं? तो अब ये वॉयलेट वगैरह एक सारा कलर दिख रहा है, पर यहाँ पे ये सारा ब्राइट है, ये सारा ब्राइट है, ब्राइट है, पर ये दो जगह डार्क लाइन आ गई, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक, कोई सब्सटेंस जो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा उस जगह पर डार्क लाइन आ जाएगी। डार्क लाइन आने का मतलब इस वेवलेंथ वाली रेडिएशन क्या कर ली? एब्जॉर्ब। नाउ इमिशन स्पेक्ट्रा, बट इमिशन स्पेक्ट्रा ना दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब पूरा स्पेस ब्राइट हो, कोई बीच में गैप ना हो, तो कॉन्टिन्यूस। और ब्राइट लाइन है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, तो होगा डिसकॉन्टिन्यूस। तो जो सनलाइट स्पेक्ट्रा होता है, जो सनलाइट का स्पेक्ट्रा होता है वो कॉन्टिन्यूस, सनलाइट इमिट कर रहा है, या कोई हम सब्सटेंस को हीट करे वो लाइट इमिट करे। तो बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा मतलब हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, और उसने जो एनर्जी इमिट की उसको प्रिज्म में से पास करवा के और फिर फोटोग्राफिक प्लेट रिसीव कर लिया। अभी यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ये पूरा ब्राइट है, कोई बीच में जैसे रेनबो बनता है, तो रेनबो में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे वॉयलेट है फिर गैप छोड़ के फिर यहाँ पे बता दे कि भाई बाय वन इज ब्लू कलर है, फिर गैप छोड़ के ग्रीन है, ऐसा नहीं बेटा। बीच में डार्क स्पेस नहीं होता। क्या होता है? रेनबो कॉन्टिन्यूस। तो जैसे यहाँ पे बता दे कि सनलाइट पास होती है, पूरा पोर्शन ब्राइट होगा, तो ऐसा स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब इसकी जगह अगर हम कोई एलिमेंट ले, जैसे हमने ले लिया सोडियम, सोडियम को क्या हीट,
हीट किया तो सोडियम ने एनर्जी मिट की, उस इमिटेड एनर्जी को जो सोडियम ने एनर्जी मिट की उसको प्रिज्म में से पास करवाया, और प्रिज्म में से पास करवाने के बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव कर ली। ये देखा बेटा प्रिज्म में से पास करने के बाद यहाँ पे ब्राइट लाइन आई 589 पिकोमीटर के आसपास, यहाँ पे 589 नैनोमीटर, यहाँ पे ब्राइट लाइन आई, ब्राइट येलो कलर की, कैसे कलर इसका येलो, और फिर यहाँ पे गैप के बाद फिर 589.6 पे ब्राइट लाइन आई। ये दो जगह लाइन ब्राइट आई, बाकी बेटा ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस क्या रहेगा डार्क, तो यहाँ पे ब्राइट लाइंस के बीच में डार्क स्पेस रह गया, तो इसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। जो रेनबो है जो सनलाइट का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस कि पूरा परफेक्ट सब ब्राइट है, और यहाँ पे येलो ब्राइट फिर डार्क फिर येलो ब्राइट, तो इसका मतलब ये सोर्स बेटा इन्हीं दो डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को इमिट कर रहा है। अगर इसकी जब पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम के केस में वायलेट लाइंस आएंगी ब्राइट, बाकी डार्क रह जाएगा। हर एक सब्सटेंस पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन लिमिट करता है। अगर इसकी जगह हम यहाँ पे लिथियम ले तो पिंक कलर की दो लाइन आएगी, बाकी सारा स्पेस डार्क रह जाएगा। तो ये बोलते हैं एलिमेंट का स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो लाइन ब्राइट आई, बाकी क्या रहेगा डार्क। अगर इसी की जगह हम इसमें सनलाइट पास करते सनलाइट, तो पूरा पोर्शन क्या होता है ब्राइट कॉन्टिन्यूस। अगर हम सनलाइट को सोडियम में से पास करवाते फिर यहां से जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता वो इमिट करवाते तो क्या होता, सनलाइट सीधे जाती है तो पूरा पोर्शन ब्राइट वायलेट इंडिगो ब्लू सारे कलर आते कॉन्टिन्यूस। सनलाइट को इसमें से पास करवाया सोडियम वेपर में से और जो पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया ठीक, बचा हुआ पार्ट क्या किया यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा बचा हुआ पार्ट तो ब्राइट होगा। अगर ये सोडियम में से पास होके सनलाइट जाएगी फिर यहाँ पे देखोगे ना तो फिर क्या देखोगे यहाँ पे इन दो जगह पे डार्क स्पेस रह जाएगा, डार्क ये डार्क रह जाएगा और बाकी ये पोर्शन क्या होगा ब्राइट, ये ब्राइट होगा ये ब्राइट होगा ब्राइट, और ये दो जगह डार्क होगा। मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा में जिस जगह ब्राइट लाइन आई थी ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में उस जगह पर डार्क लाइन आएगी, क्योंकि ये सोडियम इसमें से येलो कलर को अब्सॉर्ब करेगा तो येलो कलर नहीं इमिट होगा, बाकी वायलेट इंडिगो सारा इमिट हो जाएगा। और आप हीट सोडियम को करोगे तो सोडियम अपना येलो कलर इमिट करेगा, तो अब सोडियम है इसके पास और वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन तो कलर है नहीं, इसी को आप हीट करके प्रिज्म में से पास करोगे तो यहाँ पे येलो कलर की दो ब्राइट लाइन आ जाएंगे बाकी डार्क रहेगा। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्स होता है। एब्जॉर्प्शन में जहां पर डार्क स्पेस आया जहां पर डार्क लाइन आई मतलब वो पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया ठीक, इमिशन में जहां पर ब्राइट लाइन आई मतलब वो पोर्शन उसने इमिट किया। एलिमेंट का स्पेक्ट्रा बेटा हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, एलिमेंट का स्पेक्ट्रा हमेशा कैसा होता है डिसकॉन्टिन्यूस, एलिमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन इमिट कर रहा है वो वहां ब्राइट लाइन आएगी, बीच में बाकी स्पेस डार्क रहेगा अगर इमिशन स्पेक्ट्रा ले रहे तो, और एब्जॉर्प्शन ले रहे तो यहाँ यहाँ डार्क आएगी बाकी पोर्शन ब्राइट रहेगा। स्पेक्ट्रा कैसा रहेगा एलिमेंट का डिसकॉन्टिन्यूस। ये बोलता है कि एलिमेंट का स्पेक्ट्रा ना उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है, जैसे हर एक पर्सन के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं ऐसे हर एक एलिमेंट का यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। लाइक स्पेक्ट्रा को देख के हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी स्पेक्ट्रा में देखा कि 589 और 589.6 यहाँ पे दो येलो लाइन आ रही है इसका मतलब सोडियम का स्पेक्ट्रा है। एवरी एलिमेंट हैव अ यूनिक स्पेक्ट्रा। अब जो अपने को यूज करना जो अपने को पढ़ना है वो मेन बात हमें पढ़ना है बेटा स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। अपने न्यूमेरिकल्स आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के एलिमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, तो नाउ वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेने के लिए क्या किया बेटा, हाइड्रोजन गैस को ग्लास ट्यूब में क्लोज कर लिया, ये लिया हाइड्रोजन गैस, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड नाउ दैट इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की एट ए लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे इसमें से क्या किया इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलके ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोज हो गया, फ्री हाइड्रोजन एटम आ गए, क्या गए वो सर फ्री हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम उसको एनर्जी मिली वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे फिर डीएक्साइट होने लगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एनर्जी मिलती जा रही इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और कहां पे चला गया बेटा हाई एनर्जी स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन चला गया मान लीजिए फर्स्ट स्टेट को छोड़कर कहां पे चला गया सपोज कर लीजिए फोर्थ स्टेट में चला गया, हाई एनर्जी स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा वो स्टेबल रहेगा,
एनर्जी होगी लेस और क्या होगा मोर स्टेबल। अगर इसको एनर्जी मिल गई तो एनर्जेटिक हो गया और ये हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, अभी लेस स्टेबल हो गया। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो बेटा ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, ये चला गया एनर्जी लेके, ये एनर्जी लेके एक्साइट तो हो गया पर वहां पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, ये वापस आएगा। और जैसे ये वापस आएगा तो बेटा जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की था ना यहां से यहां तक जाने में, वो वापस एनर्जी क्या करेगा इमिट, वो इमिटेड जो एनर्जी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग लाइन्स आ जाती है। देखो हाइड्रोजन गैस लास्ट में मिली, इसे इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। इन सभी एटम्स ने बेटा इलेक्ट्रॉन सब के अपने अपने फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, पर जब इनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी कहाँ चले गए, किसी हाई एनर्जी स्टेट में, कोई सेवन स्टेट में चला गया, कोई एट्थ में चला गया, कोई फोर्थ में चला गया। पर जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ है ना, उतनी एनर्जी क्या कर गया वापस टाइम आते टाइम इमिट। तो जैसे मान लीजिए कोई चला गया फर्स्ट स्टेट से एट्थ में, तो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली बेटा कितनी कर ली, E8-E1। हर एक स्टेट की फिक्स एनर्जी होती है, बोर्स ने बताया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे ये बात, कि बोर्स ने बताया था कि हर एक स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है। तो उसने एनर्जी अगर अब्जॉर्ब की E8-E1, तो बेटा वो एट स्टेट में तो चला गया, पर वापिस वो क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेट में स्टेबल होने के लिए। तो जब वापिस आएगा ना, तो एट से मान लीजिए सेवन स्टेट में आया, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा E8-E7, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है h/λ। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडियस इमिट होगी कि नहीं, मान लीजिए फिर वो सेवन से आ जाए सिक्स में, सिक्स से आ जाए फिफ्थ में, ऐसा भी हो सकता है कि एट से सीधा फिफ्थ में आ जाए। तो एट से सीधा फिफ्थ में आ गए, देखो यहाँ पे एनर्जी क्या है उसे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशन आएगी। तो जैसे वो वापस आएगा तो बेटा वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट करता है। दोबारा सुनिए, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं, तो यहां से जो इमिटेड एनर्जी है उसको जब प्रिज्म में से पास करवाते हैं, तो वी ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व। देखो जहां पे सोडियम में मैं दो ही लाइन बता रही कि सोडियम को अगर आप हीट करोगे, सोडियम को हीट करोगे तो दो ही ब्राइट लाइन आई थी 589 और 589.6 नैनोमीटर पे, जबकि हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करें तो बेटा बहुत सारी ब्राइट लाइन आ रही है। जब हम पढ़ेंगे ना बोहर एटॉमिक मॉडल, तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बेटा हम ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों आ रही इतनी सारी लाइन। तो वो अभी सुन लो आप एक्सप्लेनेशन, कि बोहर ने ये बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कर रहे हो तो एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और वो एनर्जी लेके चला गया हाई एनर्जी स्टेट में। अब जो आपने क्लास टू में हाइड्रोजन गैस ले रखी, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, तो किसी का इलेक्ट्रॉन चला गया फिफ्थ स्टेट में, कोई इलेक्ट्रॉन चला गया किसी का चला गया फोर्थ स्टेट में, कोई इलेक्ट्रॉन चला गया सिक्स्थ स्टेट में। तो ये हाई एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो ये वापिस आएगा इलेक्ट्रॉन, और जब वापिस आएगा ना तो बेटा ये फिफ्थ से फोर्थ है, फोर्थ से थर्ड में, थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, ये सिर्फ फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाए। तो जैसे वापिस आएगा तो ये अलग अलग एनर्जी इमिट करेगा, तो इसलिए यहां से अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन क्या होती है इमिट। जैसे बहुत सारे एटम है वो अलग अलग स्टेट में गए, वो वापिस जब आएंगे तो वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट करते हैं, इसलिए बहुत सारी लाइन दिखती है अपने को। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा cannot be explained by better electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory के according मतलब Rutherford's atomic model था, वो electromagnetic wave theory पे based था, और उसके according Rutherford model के according जैसे बोल सकते electromagnetic wave theory के according हम किसी element का spectra explain नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा वो theory कहती है every source emits energy in continuous form। हर कोई सोर्स एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में करता है, तो अगर बेटा एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आती तो स्पेक्ट्रा भी अपना कैसा था कॉन्टिन्यूस, पर हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूस होता है। जैसे ब्राइट ब्राइट बीच डार्क, ये बीच में डार्क स्पेस है, अगर ये पूरे इकट्ठे ऐसे ब्राइट हो तो ये कॉन्टिन्यूस, सनलाइट का कॉन्टिन्यूस होता है, पर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा कैसा होता है डिसकॉन्टिन्यूस। तो हम ये चीज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस जो आ रहा था एलिमेंट का आना चाहिए था, सॉरी वो कंटिन्यूस क्यों नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस क्यों आ रहा है। तो
रियल में स्पेक्ट्रा डिस्कॉन्टिन्यूस इसलिए आता है, बोहर से एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके चला गया हाई एनर्जी स्टेट में, तो जो वापस आएगा ना तो बेटा वो इमिट करेगा, जैसे ई टू से फर्स्ट में आया तो एनर्जी इमिट करेगा ई टू माइनस में, तो फिक्स पैकेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अगर मान लीजिए वो आया ई थर्ड से सेकंड पे तो अलग एनर्जी है, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी अलग होगी, तो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है, क्वांटिटी फॉर्म में नहीं आती। अब जो अपना मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बेटा, हमें एक्सप्लेन करनी है, आप अपने को करनी है कि न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल्स। हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया तो बहुत सारी लाइंस आ गई, उन लाइंस के अलग अलग वेवलेंथ है, ये देखा बेटा इनमें बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ मैच करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस है जिनकी वेवलेंथ मैच करती है विजिबल रेडिएशन से, बहुत सारी ऐसी है जिनकी वेवलेंथ मैच करती है किससे, इंफ्रारेड रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करके ये देखा बहुत सारी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उनकी वेवलेंथ कितनी कितनी है, तो देयर इज अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेडिएशन सोर्स वेवलेंथ रिजेंबल टू अल्ट्रा वायलेट, इनफाइनाइट रेडिएशन रिजेंबल्स टू द वेवलेंथ विजिबल रेडिएशन एंड इनफाइनाइट रेडिएशंस आर ऑफ प्रेजेंट हुज वेवलेंथ रिजेंबल टू इंफ्रारेड रेडिएशन। बेटा इन सब की इंडिविजुअल अगर आपको कहता है भाई इस लाइन की वेवलेंथ बताओ, इस रेडिएशन की वेवलेंथ बताओ, ये लाइन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन पर्टिकुलर एक इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर लाइन के लिए बोलते हैं कि इसकी वेवलेंथ बताओ। तो रेडबर्ग साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बताया था, किसने बताया था, रेडबर्ग ने, रेडबर्ग गिव्स अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ईच लाइन प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रा। रेडबर्ग ने फॉर्मूला बताया बेटा, क्या बताया रेडबर्ग ने कि आपको कभी भी वेवलेंथ निकालना तो उसमें वन बाय लैम्डा, वन बाय लैम्डा होता है वेव नंबर, तो वेव नंबर आ जाएगा तो वेवलेंथ भी आ जाएगी, तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या बताया उसने, आर, आर इज द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, वन ओवर एन वन स्केयर माइनस वन ओवर एन टू स्केयर इन टू में जेड स्केयर। यहाँ पे आर तो है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू है 109677 वैल्यू याद रखना सेंटीमीटर इनवर्स आर की, मतलब अगर आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ की यूनिट क्या आएगी बेटा, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स है। एन1, एन1 की वैल्यू क्या होगी, एन2 की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी सीरीज की रेडिएशन की वेवलेंथ निकाल रहे हो, N1 डिपेंड करेगा, N2 डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सीरीज के कौन सी लाइन की वेवलेंथ निकाल रहे हो। तो सुनिए बात ध्यान से, रेडबर्ग फॉर्मूला तो याद रखना, अब N1 और N2 के लिए सुनो। अलग अलग साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया और उन्होंने अलग अलग से बता दिया कि जिन रेडिएशन की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मिलती है उसको बोलते हैं बेटा लेमन सीरीज। इस पूरे को ना 6 सीरीज में डिवाइड कर दिया, लेमन सीरीज याद रखना, लेमन सीरीज में वो सारी रेडिएशन आ जाएंगी जिनकी वेवलेंथ किससे मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। जिन भी रेडिएशन की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मिलती है वो सारी सारी कहां पे आएगी, लेमन सीरीज में, ठीक है। जिनकी विजिबल से मिलती है उसने बाल्मर ने पढ़ा था, उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और जिनकी बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलती है उनके तीन पास्चन ब्रैकेट एंड पीफंड, पासन ब्रैकेट एंड पीफंड, और लास्ट में एक और बता दी हैव फ्री सीरीज, ठीक है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ इमिशन आ रहे हैं इनमें हर एक पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ बताने के लिए इनको पहले सीरीज याद रखो। अल्ट्रा वायलेट से मिलती है जिनकी वेवलेंथ हो लेमन, विजिबल से मिलती हो बाल्मर, और इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलती है जिनकी वेवलेंथ हो पासन ब्रैकेट पीफंड, और इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड बोलते हैं उनसे जिनकी वेवलेंथ मिलती है उसे हेनफ्री सीरीज, ठीक। अगर अपने को लेमन सीरीज की बात करने पे, लेमन सीरीज की कोई लाइन है उसकी वेवलेंथ बताओ, और हर एक सीरीज में नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइंस है, हर एक सीरीज में कितनी लाइंस है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो लेमन सीरीज की आपको किसी लाइन की वेवलेंथ बतानी है तो बेटा N1 की वैल्यू 1 रखोगे, लेमन सीरीज की N1 की वैल्यू 1, ठीक। अच्छा जी, N2 की वैल्यू क्या रखे हैं, अगर आपको लेमन सीरीज की पहली फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ फर्स्ट की तो N2 की वैल्यू है 2, अगर आपको लेमन की दूसरी लाइन की वेवलेंथ बतानी है तो ध्यान सुनो न्यूमेरिकल में क्या होगा, N2 की वैल्यू है 3, लेमन की तीसरी लाइन की बतानी है तो N2 की वैल्यू है 4, ठीक। ऐसे ही
अगर आपको बाल्मर सीरीज के बारे में बताना, बाल्मर तो बाल्मर के लिए बेटा एन वन की वैल्यू होगी टू, बाल्मर की हर लाइन के लिए एन वन तो फिक्स है टू। ये कह रहे बाल्मर की सीरीज की आप दूसरी लाइन की वेवलेंथ बताओ, सुनो बाल्मर की दूसरी लाइन, तो बाल्मर की जो बेटा फर्स्ट लाइन है उसके लिए तो एन टू की वैल्यू होगी थ्री फर्स्ट लाइन के लिए, और बेटा दूसरी लाइन के लिए एन टू की वैल्यू क्या होगी फोर। तो कह रहे वेवलेंथ बताओ बाल्मर की दूसरी लाइन की, तो एन वन की वैल्यू रखो टू और एन टू की वैल्यू क्या रखो फोर। मतलब और सुन लो, जैसे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होके पहले स्टेट से मान लीजिए बेटा तीस स्टेट में चला गया, कहां पे चला गया ध्यान सुना, फर्स्ट स्टेट सेकंड कहां चला थर्ड स्टेट में चला गया, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड स्टेट से सेकंड में आता है, थर्ड से सेकंड में कहां से सुनो थर्ड से सेकंड में आता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से सेकंड में आके रुकेगा ना, तो वो कौन से सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, बाल्मर को। बाल्मर के लिए एनवन की वैल्यू टू, एनवन यहाँ पे लो एनर्जी स्टेट है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट स्टेट पे आकर फर्स्ट पे, तो वो कौन सी सीरीज होगा लेमन। ठीक है, अब कहते पहली लाइन बाल्मर की तो एन टू की वैल्यू थ्री, दूसरी लाइन कहते तो एन टू वैल्यू फोर, ऐसे एन और फाइव। ये क्या बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग मतलब लास्ट, किसी भी सीरीज की बेटा लिमिटिंग लाइन थे ना लिमिटिंग, तो आप क्या रख देना एन टू की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख देना, तो फाइव सिक्स सेवन एन लिमिटिंग है तो इनफाइनाइट रख दो। ऐसे पार्सन का है ना, तो एन वन की वैल्यू थ्री पार्सन सीरीज के लिए, पार्सन सीरीज का कोई आपका ट्रांजिशन में थर्ड लाइन फोर्थ लाइन किसी वेवलेंथ पूछे, तो एन वन तो थ्री रखोगे, एन टू फर्स्ट लाइन के लिए फोर, उससे अगले लाइन के लिए सेकंड के लिए फाइव, उससे अगले के लिए सिक्स, थर्ड लाइन तो सिक्स रखोगे, फोर्थ लाइन तो सेवन। ऐसे बेटा पार्सन ब्रैकेट सीरीज की बात करें, ब्रैकेट तो एन वन की वैल्यू फोर, एन टू की वैल्यू फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन। पी फंड है तो एन वन की वैल्यू सिक्स फाइव और एन टू की वैल्यू सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन। लास्ट हैमफ्री एन वन की वैल्यू सिक्स और एन टू की वैल्यू सेवन एट नाइन टेन ऐसे। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स बताती हूँ, ध्यान से अपने मेडिकल्स करना, एक बार ये चीजें नेक्स्ट वीडियो फिर यूज करते हैं। ओके थैंक्स।